हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो, आज का नहीं, कल से ही स्टार्ट था। कल कुछ अच्छा सा वीडियो था, कुछ अच्छी सी रेसिपी थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। और कल पूरा दिन मेरा घूमने में बीत गया। घूमने कहाँ मैं गई थी, घूमने कहीं घूमने इस तरीके से नहीं गई थी। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम था, जो काम मुझे काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन उसे कल पूरा कर डाली। क्या क्या की उसको भी सोच बता रही हूँ। बहुत काम था। पहले तो मुझे मेरे, हेलो एवरीवन, तो इस समय शाम के गुड इवनिंग हो गए, शाम के 4 बजे हैं और मैं बना रही हूँ चाउमीन। तो यहाँ चलिए मैं डाल दी हूँ रिफाइंड मेरा पड़ गया है। अब मैं चली हूँ, मैं फटाफट आने के बाद किचन पूरा फैला हुआ था उसी तरीके से। बस मुझे भूख लगी थी तो बनाना स्टार्ट कर दी। कुछ भी मैं इधर उधर हटाई नहीं। एक साइड में दूध चढ़ा दी हूँ क्योंकि पापा जी भी आ गए हैं। एक साइड मेरा चाउमीन, तो एक ओनियन है, एक प्याज है जो मैं कटिंग करूँगी, और रिफाइंड मैं डाल दी हूँ। रिफाइंड जब तक गर्म होता है तब तक हम प्याज को काट लेते हैं। और शिमला मिर्चा, पत्ता गोभी, ये सब मेरा कट चुका है। नूडल्स उबल गया है, तो सारे काम हो गए हैं। फटाफट करने के बाद मैं वीडियो स्टार्ट की। तो यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ। मैं पूरी तरीके से इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को पूरे अच्छे से रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं आप लोग के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना दूँगी। बट अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो मैं यहाँ बना रही हूँ चाउमीन। तो देखिए, प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। फिर मैं यहाँ डाल दी शिमला मिर्चा। तो ये शिमला मिर्चा 1.5 है, मैंने 1 और आधा है तो 2 इतना है। और मेरा यहाँ पे इससे भी थोड़ा सा इसका जो है कि वो हो जाए, अच्छे से हो जाए, थोड़ा सा नरम गल जाए जिस तरीके से होता है, बस वही करना है। तो यहाँ पे वो हो रहा है। और यहाँ मैं पापा जी को चाय निकाल रही हूँ, सबके लिए भी चाय चढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। शाम को बज गए हैं 4:30 और बहुत जल्दी में काम हो रहे हैं, भूख भी लगी। यहाँ ये भी अपना थोड़ा सा हाथ लगा दी हैं मेरी बड़ी बेटी, क्योंकि इसे भी थोड़ा सा सीखने का था, तो वहाँ पे खड़ी थी तो उसे देख रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए, अब मेरा जो शिमला मिर्चा थोड़ा सा गल चुका है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ चाउमीन। जो नूडल्स है उसे मैं ऐड कर देती हूँ। नूडल्स को डाल के, पत्ता गोभी थोड़ा सा किचकिच करता है तभी खाने का मज़ा होता है, इसलिए मैं पत्ता गोभी थोड़ा सा रुक के डालती हूँ। तो पहले मैं ये सब डालती हूँ, उसके बाद मैं सोया सॉस। तो ये वाले डिब्बे में मेरे थोड़े से सोया सॉस थे, तो ये देखिए मैं ये थोड़ा सा जो था सारा ऐड कर दी, पर इसमें अच्छे कलर नहीं आ रहे थे। तो फिर मैं दूसरा जो मेरा बॉटल था उसे मैं खोली हूँ, क्योंकि डेली का यूज़ नहीं, एक बार ले लो तो काफ़ी दिन चलता है सोया सॉस, तो रोज डेली कोई कुछ खाता नहीं है इस तरीके का। तो चाउमीन बनाओ या वेज फ्राइड राइस बनाओ तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मेरा जो नूडल्स पड़ गया है और सोया सॉस भी। अब मैं दूसरा बॉटल निकाल रही हूँ, क्योंकि दूसरे बॉटल को निकाल, अभी इसका देखिए पैक खुला नहीं है, इसे मैं खोलती हूँ। थोड़ा सा फ्लेम जो है धीमा कर देती हूँ, मध्यम रहेगा तो अच्छे तरीके से होगा, नहीं तो पकड़ने लगेगा कढ़ाई में। वैसे ये बनाने में तभी उसी कढ़ाई में मज़ा आता है जो नॉन स्टिक का कढ़ाई होता है। नॉन स्टिक वाला मेरा थोड़ा सा अभी लोकल वाला वो अच्छा नहीं है, मैं उसमें नहीं बनाती हूँ। तो ये थोड़ी बड़ी भी कढ़ाई थी, तो यहाँ पर मैं सोया सॉस ऐड कर दी हूँ, और मुझे अच्छे तरीके से अब ये कलर दे देगा, तो अच्छा कलर देगा। अब फिर मैं इसमें डालूंगी अजीनोमोटो, थोड़ा सा अजीनोमोटो। अजीनोमोटो तो खाना नहीं चाहिए लोग कहते हैं, लेकिन बिना फ्लेवर का अच्छा ही नहीं लगता है। ये चाइनीज़ भोजन में ज़रूर पड़ता है और बिना पड़े इसका स्वाद ही नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं अजीनोमोटो थोड़ा सा ऐड करती हूँ। अब अजीनोमोटो को मैं थोड़ा सा मिलाने के बाद अभी ऐड कर दूंगी एक ये नमक का फ्लेवर जो होता है ना, वो इसमें ऐड देता है। तो यहाँ मैं पत्ता गोभी को भी ऐड कर दी हूँ। बहुत जल्दी में हूँ, फटाफट बनाती जा रही हूँ बस, और कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अब नमक को थोड़ा सा ऐड करूँगी। नमक डालते ही पत्ता गोभी, शिमला मिर्चा, ये सब एक जैसे मिल जाएंगे, अच्छे इसके फ्लेवर भी काफ़ी अच्छे आएंगे। तभी आप लोग को बनाते समय बना देती हूँ, तो पूरे अच्छे तरीके देखिए, क्योंकि थोड़ा अधिक हो गया है, कढ़ाई इधर उधर टेढ़ी हो रही है। तो यहाँ ये बॉटल दिखा रही है कि हाँ है, तो हाँ ये टॉप्स के थे, वो वाले दूसरे थे, कंपनी भाई अलग होती है, बट मुझे लगता है फ्लेवर सब सही होता है सोया सॉस का या विनेगर हुआ। विनेगर मेरे पास नहीं था तो मैं बस विनेगर नहीं डाली। और एक चीज़ इसमें नहीं था, गाजर नहीं था, एक चीज़ की और इसमें गाजर की कमी थी, तो गाजर नहीं मिला था तो मैंने ले लू। पहले से मेरे पास सारी सब्जियाँ थीं बट नूडल्स नहीं थे, तो नूडल्स मैं ले के आई थी। और यहाँ पे मैं हल्का सा नमक भी ऐड कर देती हूँ। चाउमीन में हमेशा नमक का फ्लेवर जो होता है ना, हल्का होता है, अगर बहुत ज़्यादा टाइट थोड़ा भी हो जाएगा
इतना पानी पिलाता है कि फिर तो वो खाने का मज़ा ही बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे नमक, क्योंकि जो अजीनोमोटो डालते हैं ना, वो उसका फ्लेवर खुद ही नमक के अकॉर्डिंग में आ जाता है, अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से, और नमक को हमेशा हल्का डालिए तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं गिर गए थे, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं दे रहा था, तो और भी मैं इसमें ऐड थोड़ा सा कर दी। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है ना, जब तक चाउमीन का पूरा कलर नहीं अच्छे से आ जाता है, तब तक अच्छा मुझे नहीं लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च, जो गोल मिर्च होती है, उसे मैं इसमें ऐड करके, ये देखिए थोड़ा सा, इससे क्या होता है, इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। अक्सर आप लोग कभी कभी देखते होंगे बड़े रेस्टोरेंट में या कहीं भी, थोड़ी सी काली मिर्च को कूट के या पीस के रखे रहते हैं, उसका फ्लेवर लोग देते हैं उससे खाने, उसको इस फ्लेवर के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से चला रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी में हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर गिर भी जा रहा है, तो मैं उसे उठा दे रही हूँ। और मेरा किचन काफ़ी अजीबो तरीके से हुआ है, गंदा हुआ है, फैला हुआ है, बट मैं उसकी केयर नहीं की हूँ। लेकिन चाउमीन बनाने लगी तो मैं सोची आप लोग के साथ क्यों ना शेयर कर दूँ, आप लोग भी देख लीजिए चाउमीन बना है। तो चलिए, चाउमीन मेरा बन जाता है अच्छे तरीके से, तो मैं पूरी तरीके से प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ कैसा लगा मेरा चाउमीन। और पहले ही आप लोग के साथ शेयर कर भी दी हूँ, आप लोग देख ही लिए। यहाँ पे बच्चों का था, हल्ला हो रहा था, तो मैं दे दी बाबू सबसे पहले चाउमीन के लिए। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया है ना, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। पहले तो मुझे सही कराना था अपना मिक्सी का जार, जो मेरा फाइनली कल सही हो गया, जो कि मैं बहुत ज़्यादा सोच के रखी थी कि काफ़ी टाइम लगेगा, 2 से 4 दिन मुझे देने पे लगेगा कि वो देंगे मुझे बना के, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कि मैं इसी चक्कर में देने थी, फिर जाओ लाओ तो नहीं होता, एक टिटिमा हो जाता। और फिर इधर जिधर मैं आई हूँ, इधर केरियर मुझे जानकारी नहीं है, मैं पहले थी मेन सिटी में, उधर मुझे मालूम था, मुझे लगा फिर मुझे वहीं ले जाना होगा सही कराने, मैं जा भी रही थी, बट कभी कभी दिमाग में कुछ चीज़ें अच्छी आ जाती है। तो काफ़ी हल्ला हो रहा, बच्चे खेल रहे हैं, तो इसे इग्नोर करिएगा। मैं तो जब निकल रही थी, तो मैं इनसे बोली चलिए इधर भी चेक कर लिया जाए, क्योंकि अब हम लोग को जब इधर रहना है तो इधर ही साइड में तो देखना ज़रूरी है, क्या चीज़ कहाँ पे है, कैसे है, नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ें मुझे था। तो मैं फिर इनसे बोल रही थी कि अच्छा चलो देखो, तो देखते हुए जा रही थी, फिर मुझे मिल गया पास में ही मिक्सी वाले जार बनाने वाले भैया लोग वहाँ पे, तो उनके यहाँ गई मैं, बोली भैया मेरा जार ऐसे ऐसे हो गया, बस वो 5 मिनट लगा और 5 मिनट में बना के मुझे दे दिए, और बहुत कम प्राइस में, जो मुझे खुशी मिली, जो कि मैं हमेशा जब भी अपना जार बनवाती थी कभी 100 से नीचे नहीं बनता था, 100 ले ही लेता था, या कभी कभी 150 भी ले लेता था, तो ऐसे रहता था। लेकिन इस बार बहुत ही कम प्राइस में बन गया और बहुत अच्छे से बन गया, तुरंत ही काम हो गया, नहीं तो 1 से 2 दिन, सबसे बड़ी बात है ना जो समय लेने वाली, 1 से 2 दिन लोग रख लेते थे कि अब जाएगा उसके पास, वो देखेगा बनाएगा तो आपको देगा। तो ये चीज़ें मुझे सबसे अच्छी लगी कि मुझे तुरंत 5 मिनट मिल गया, पैसे के उतनी मायने नहीं मुझे है, एक तुरंत देने वाली समय की बात थी। तो ये चीज़ें मेरा फाइनल हो गया, पूरा हो गया। और इसी में कुछ चीज़ें और था क्या, हाँ मुझे अपने सिम को सही कराना था, जो कि अभी उसका नेटवर्क नहीं आया है, एयरटेल का है, तो उसे भी देखते हैं क्या होता है। अभी तो उसका नेटवर्क नहीं आ रहा है, जो कि न्यू हो गया, वो भी काम नहीं कर रहा, देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, अभी तो उसे प्रोसेस में चल रहा है। और दूसरा क्या था, दूसरा हमें अपने बैंक जाना था। बैंक क्यों जाना था वो बता रही हूँ। वो जीरो बैलेंस का जनधन खाता का था मेरा, उसमें लॉकडाउन के समय पैसा आया था, मैं उसे चेकबुक वगैरह कभी उसे यूज ही नहीं की, ना कि बस खुला के छोड़ दी थी, ये सबको बस खोलने का था कि हाँ मेरा भी एक खाता हो जाए, इस तरीके से मैंने उसे खोल के छोड़ दी थी। और आज वो जो है कि मैं कल इनसे बोली चलिए मैं देखती हूँ, मेरा पासबुक था, ATM था, सब था, तो मेरा पासबुक, ATM, सारा चीज़ था, बट मैं उसे कभी भी यूज नहीं की, जिसके कारण वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से पड़ा हुआ था। आज मुझे लग रहा है 2014 से वो खुला हुआ था, आज 2020 भी कंप्लीट होने जा रहा है, तो 5-6 साल से इस तरीके से वो पड़ा था। आज मैं उसे कल चेक करने गई था, हाँ उसमें लॉकडाउन के समय 1,500 जो मोदी जी ने दिए थे वो उसमें आ चुका था। मुझे सुन के मैं कही अरे बाप रे, मैं तो इसे कभी चेक ही नहीं की, बस खोल के छोड़ दी थी। तो ये ठीक लगा,
मिल गया आप मुझे। मैं एक चीज़ में उससे सोची हूँ, मैं उससे अपना पेटीएम का एक काम स्टार्ट करूँगी, देखती हूँ होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये चीज़ करने में थोड़ा सा, चीज़ को मैं बोलती हूँ ना, मुझे सीखना अच्छा लगता है कि मैं खुद को सीखूं, खुद से करूं, हर चीज़ को कैसे किया जाता है वो मुझे नॉलेज हो, मुझे जानकारी हो, मैं ये चाहती हूं। तो मैं यही चीज़ चाह रही हूं कि मुझे उसमें जो वो है पैसे और भी मैं उसमें ऐड करके उसे रखूंगी, और मैं उससे पेटीएम या गूगल जो भी है ये चीज़ें मैं सब स्टार्ट करना चाहती हूँ बस उसी से। तो देखिए कब तक होता है, कैसे होता है, तो ज़रूरी भी है, कभी कभी पेटीएम मांगता है तो हमारे पास नहीं है अवेलेबल, है पेटीएम है लेकिन वो खाता वगैरह ये सब से अटैच नहीं है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम होती थी। तो चलिए अब देखते हैं कब तक होता है, तो होगा तो आप लोगों के साथ शेयर ही होगा। क्या हो गया, तो यही सब था, और मुझे कुछ और ख़ास चीज़ें थी उसमें जो बाबू प्ले करना था, उसको भी मैं 3 से 4 दुकान पे दौड़े देखी, ठीक ठाक लगा, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें इस पर अच्छा लगा, कुछ उस पर मतलब कुछ बाहर से अच्छा नहीं अच्छा उतना लगा उसकी प्राइस जो फ्लिप पे लगा, लेकिन अब देखती हूँ कहाँ से कैसे क्या परचेज करती हूँ, तो आप लोग के सामने वो सस्पेंस आप लोग के सामने आने पर ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें था, तो कल पूरा दिन मेरा भाई, और मुझे क्या देखना, मैं कल बहुत घूमी, पूरा राउंड मारते हुए आई, मुझे दोपहर का 1 बजे मैं निकली थी, शाम को आई मैं 4 बजे, और पूरी थक चुकी थी मेरा सर। उसके बाद आने के बाद मैं क्या बनाई थी, चाउमीन। तो आप लोग चाउमीन को भी देख ही लिए होंगे, चाउमीन कहाँ था कैसे था, आने मैं वहाँ से लेके आई कि बाहर से जैसे नहीं लगता है कि या रेस्टोरेंट में आप जाओ तो टाइम लगेगा, और बाहर जो रोड पे बनाते हैं थोड़ा सा मन लगता है कि इतने गंदे उड़ते हैं उसी में सब प्रदूषण पड़ते, अजीब सा मन हो रहा था। तो मैं चाउमीन लेके आई थी और सारा सामग्री हमारे पास था अवेलेबल, बस गाजर नहीं था। तो मैं फटाफट आने के बाद थकी थी, लेकिन मैं चाउमीन बनाई और चाउमीन आप लोग के साथ शेयर भी की हूँ, देखिए आप लोग भी खा लीजिएगा अच्छा लगेगा, तो खाए ही होंगे, खा लीजिएगा क्या। तो यही सब चीज़ें था, चलिए अगर वीडियो अच्छा शेयर जरूर कर दीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, हमें भी प्यार दीजिए अच्छे अच्छे से, तो मैं भी प्यार देती हूँ। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ।